नमस्कार, मैं अनामिका, बिहारी न्यूज से। मैं आपको आज बिहार की 25 खबरों के बारे में बताने जा रही हूँ। एक न्यूज चैनल पर रविवार रात फरार अनंत सिंह का रिकॉर्डेड वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं और वो जी जान लगा के जुटी है अनंत के तलाश में। सूत्रानुसार पुलिस को विधायक के दिल्ली में होने की खबर मिली है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम दिल्ली भेज दी गई। शराबबंदी को संभालने में बिहार पुलिस को आना पड़ा अंडरवियर में। छपरा जिले के दियारा क्षेत्र में छपरा पुलिस के जवान शराब कारोबारियों के ठिकाने पर गए थे। बताया जाता है कि जिस जगह पर छापेमारी की जा रही थी वहां नदी पार कर जाना पड़ता है, लिहाजा सभी पुलिस कर्मियों ने पेंट उतार कर पार किया और अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। श्वेता तिवारी के घरेलू विवाद पर बॉलीवुड एक्टर ने दिया रिएक्शन। बॉलीवुड एक्टर आशीष कौल, जो श्वेता के अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने श्वेता को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं श्वेता की गारंटी दे सकता हूं कि उसने इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन कई बार चीजें हाथ से निकल जाती हैं। श्वेता में बोल्ड स्टेप लेने का कॉन्फिडेंस है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली। स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन 4000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजों तथा जिलों के सरकारी अस्पतालों से जैसे ही डाटा उपलब्ध हो जाएगा, नियमित नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हर पंचायत में हो सूखे का आकलन, जो नीतीश ने दिए निर्देश। नीतीश की अध्यक्षता में हुए बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाढ़ तथा सुखाड़ से संबंधित जानकारी ली गई। मौसम विज्ञान के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य में 18 अगस्त तक 6 से 4.9 मिमी वर्षा हुई है और यह सामान्य वर्षापात से 76.9 मिलीमीटर कम है। एक साल में बदलेगी पटना की सूरत। वाहनों के अधिक दबाव रहने के कारण एक साल के अंदर डाक बंगला से सगुना मोड़ तक 6 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। लगभग 7 किलोमीटर लंबा दीघा और आर ब्लॉक तक 4 लेन का काम भी तेजी से चल रहा है। आर ब्लॉक से दीघा तक 3 जगहों पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट हुई हैक। बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट तुर्की के हैकरों द्वारा हैक कर लिया गया। हैक करते हुए उन्होंने इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी दर्ज कर दी। मामले की खबर आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गए। वेबसाइट का देखरेख करने वाली कंपनियों को विभाग ने निर्देश दिए और तब वेबसाइट को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया। गोपालगंज कारागार में सजाया आफ्ताब पूर्व मुखिया ने तोड़े दम। चनावे मंडल कारा में बंद पूर्व मुखिया रहे वीरेंद्र यादव का संदेहास्पद तरीके से देहांत हो गया। इससे आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल में जमकर नारेबाजी की और NH 28 को जाम कर दिया, जिससे वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से ठप हो गया। परिजनों ने कारा प्रशासन पर आरोप लगाए, परंतु प्रशासन ने उनके आरोप को खारिज कर दिया। भोजपुरी स्टार खेसारी के खिलाफ FIR दर्ज। भोजपुरी के जाने माने स्टार खेसारी लाल पर चेक बाउंस होने को लेकर छपरा स्थित रसूलपुर थाना में FIR दर्ज करवाया गया है। खेसारी ने इसे जमीन खरीद बिक्री के मामले में धोखाधड़ी रोकने का मामला बताया है। अब मोबाइल से पाएंगे बीमारियों से बचाव की जानकारी। बिहार में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए मुजफ्फरपुर का SKMCH एक नई पहल लेकर सामने आया है, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मोबाइल से बीमारियों से बचाव की जानकारी देगा। इसको लेकर शिशु विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने तैयारी शुरू कर दी। जमुई में 2 बाइकों के बीच हुई टक्कर। गढ़ी चरका पत्थर मार्ग पर केलुआडीह के गाँव में समीप 2 बाइकों के बीच टक्कर में एक युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का इलाज के दौरान हुआ निधन। बिहार की राजनीति में बड़ा नाम जगन्नाथ मिश्रा का सोमवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन पर विधान परिषद सभापति हारून रशीद ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, उनके निधन से व्यक्तिगत क्षति हुई है। जगन्नाथ मिश्रा 1975 से 1990 तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे अपने व्यवहार के चलते विपक्षी दलों के नेताओं के बीच भी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। नीतीश सरकार कराएगी सरकारी पैसों से मदरसों का निर्माण। नीतीश सरकार की इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में नालंदा, औरंगाबाद और दरभंगा में कुछ मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। सरकार की ओर से भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। राज्य के शिक्षक बने प्रदर्शनकारी। बिहार में पिछले कुछ महीनों से समान काम समान वेतन को लेकर मांग बढ़ती जा रही है। इसको लेकर राज्य शिक्षक संघ ने प्रदर्शन भी किए। प्रदर्शन के दौरान नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अगर हमारी मांगे साकार नहीं की गई तो हम और भी बड़े प्रदर्शन को अंजाम देंगे। मुजफ्फरपुर को मिला वरदान, बनेगा कैंसर अस्पताल। नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री ने ऐलान किया
कि मुजफ्फरपुर जिले में कैंसर अस्पताल का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। इस संदर्भ में टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के पदाधिकारियों से मुलाकात। निरहुआ ने किया लॉन्च किया मिनी थिएटर। निरहुआ ने लॉन्च किया मिनी थिएटर। भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ ने सिनेमा को एजुकेशन से जोड़ने के लिए एक सराहनीय पहल करते हुए बिहार में एक मिनी थिएटर जादूज एट निरहुआ का लॉन्च किया। निरहुआ ने कहा कि अब हर एक तहसील में होंगे एक मिनी थिएटर। आम्रपाली दुबे ने डाइटिंग से घटाया वजन। आम्रपाली कहती है कि उन्होंने डाइटिंग से अपना वजन घटाया है। उन्होंने कहा कि वो पहले एक्सरसाइज करती थी, मगर कामयाब ना होने के बाद उन्होंने डाइटिंग से वजन को कंट्रोल में किया। इसी माह से बिजली हब बनेगा औरंगाबाद। औरंगाबाद के नवीन नगर में नए बिजली घर से विधिवत रूप से इसी महीने बिजली उत्पादन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नवीन नगर स्टेज एक में 660 मेगावाट की 3 इकाई हैं। यूनिट शुरू होने की अनुमानित तिथि 25 अगस्त बताई जा रही है। नालंदा में सर्पदंश के मरीज की अस्पताल में करवाई झाड़फूंक। जहां हम मंगलयान और चंद्रयान पर जाने की बात कर रहे हैं, वहीं आज भी लोग अंधविश्वास के जरिए व्यक्ति को जीवित करने की बात कर रहे हैं। मामला बिहार शरीफ सदर अस्पताल का है, जहां इलाज के बावजूद भरोसा नहीं होने पर परिजनों ने झाड़ फूंक करवाना सही समझा, मगर झाड़ फूंक से कोई फायदा न होने के बाद मरीज को इलाज के लिए ले जाया गया। अनंत सिंह के घर मिली गुप्त कोर्ट से भरी डायरी। अनंत सिंह के घर छापेमारी के दौरान पुलिस को एक डायरी हाथ लगी। रविवार को पड़ताल के बाद डायरी में छिपे कई राजों का पर्दाफाश हो गया। डायरी में कोर्ट में कई हथियारों तथा गुर्गों का नाम लिखा मिला। ककोलत जलप्रपात की धारा हुई तेज, लोगों में लगी सेल्फी लेने की होर। तेज बारिश होने के कारण अचानक ककोलत जलप्रपात में धारा तेज हो गई है, जिसे देखने के लिए सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भीड़ लगी है। लोग तेज धारा के साथ सेल्फी ले रहे हैं। हालांकि अब तक इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई है। देश की राजधानी में मंडराया बाढ़ का खतरा। राजधानी दिल्ली भी बाढ़ की चपेट में आने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इस संदर्भ में सीएम केजरीवाल ने आपातकाल बैठक बुलाई। इस बैठक में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बिहार में रुक रुक कर हुई बारिश से लुढ़का तापमान। राजधानी पटना सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार रुक रुक कर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को पटना का न्यूनतम तापमान 26.0 तथा अधिकतम तापमान 30.0 दर्ज किया गया। 71% बिजली बिहार को मिलेगी बाढ़ बिजली घर से। अब बिहार को 71% बिजली बाढ़ बिजली घर से मिलेगी और बिहार को अक्सर बिजली गायब रहने की समस्या से निजात मिल जाएगा। बाढ़ की बिजली सस्ती होने के नाते आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आधुनिक समय में बिजली की जरूरत की मांग में हो रही वृद्धि को भी पूरा किया जा सकेगा। अब जानते हैं बिहार के मौसम के बारे में। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, फारबिसगंज, गया, मोतिहारी, मधुबनी, औरंगाबाद, नालंदा, पूर्णिया में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पटना में दोपहर और शाम में गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।